झारखंड आदिवासी महोत्सव के दूसरे और अंतिम दिन पे शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में आप उनका काफिला देखेंगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। काफ़ी देर से जो है उनका इंतज़ार हो रहा है और विशेष कार्यक्रम जो है आपने कल देखा होगा, कल विशेष कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था और आज भी कार्यक्रम आयोजित की गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई लोग जो हैं वो आपको नज़र आएंगे और मुख्य मंच पर जो है कुछ देर में कार्यक्रम भी शुरू होगा। आपने कल की तस्वीर देखी थी जहां पर आपने देखा था किस तरह से झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों से जो लोग पहुंचे थे वो अपनी कला और संस्कृति का प्रस्तुति जो है मंच के माध्यम से देते हुए नज़र आ रहे थे। ठीक उसी प्रकार से झारखंड के भी जो लोग हैं वो भी उसी प्रकार की प्रस्तुति जो है वो दे रहे थे और आज भी कुछ उसी प्रकार की प्रस्तुति जो है वो आपको दिखाई देगी और जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई लोग शामिल होंगे। तस्वीरों में जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो बिरसा मुंडा जो संग्रहालय है और उसका जो दूसरा गेट है वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन हो रहा है। अभी जो देख रहे हैं उनका काफिला है और सिक्योरिटी में जो जवान लगे हुए जो पुलिस पदाधिकारी लगे हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और लगातार जो है आप देखिए अब उनका काफिला पहुंच चुका है और तस्वीरों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आपको दिखाई देंगे और देखिए उनका स्कॉर्ट गाड़ी जो है वो अंदर प्रवेश कर रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको कुछ देर में दिखाई देंगे तस्वीरों में। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इस गाड़ी में आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहां से वो गाड़ी सीधे मंच की ओर जो है वो जाएगी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको यहीं से वापस, तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां से पैदल जो है मंच की ओर जाते हुए दिखाई देंगे और देखिए हेमंत सोरेन यहां पर जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। काफ़ी देर से जो लोग यहां पर इंतज़ार कर रहे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब यहां पर पहुंचे तो उनसे मिले, उनके ओर से जो गुलदस्ता दिया गया था और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जो लोग हैं वो उन्हें देख रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार लोगों से मिलते हुए मंच की ओर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज आदिवासी महोत्सव का दूसरा दिन है, समापन का दिन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने अलग अंदाज में जो है पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी है, उनके परिवार के लोग भी जो हैं वो अंदर गए हुए हैं और साथ ही साथ मुख्य सचिव अलख्यांग से वो भी पहुंचे हुए हैं, साथ में जितने भी पदाधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे थे, दिखाई दे रहे थे। देखिए बर्थडे विशेष जो है क्योंकि उनका जन्मदिन है तो उनके बर्थडे विशेष का जो है यहाँ पर आपको तख्ती जो है दिखाई देगा, हैप्पी बर्थडे हेमंत सोरेन, और उनकी तस्वीर जो लगी हुई है वो आप देख सकते हैं किस तरह से जन्मदिन को लेकर यहाँ पर तख्ती लगाई गई है और लगातार जो है तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज जन्मदिन है तो लोग तख्ती लेकर भी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो आम जन है वो अपने मोबाइल में तस्वीर जो है वो कैद कर रहे हैं और अलग तरह का नज़ारा जो है आप देख सकते हैं और ज़बरदस्त जो है एंट्री यहाँ पर हेमंत सोरेन की हुई है। कुछ घंटों के कार्यक्रम के बाद इस विशेष कार्यक्रम जो है आदिवासी महोत्सव वो समाप्त हो जाएगा। पिछले बार भी आपने देखा था शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस बार भी शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हेमंत सोरेन देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं कि हेमंत सोरेन और जो अन्य लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और हेमंत सोरेन लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य मंच की ओर जो है बढ़ रहे हैं और शानदार स्वागत की तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई और हमने दिखाया किस तरह से जो लोग थे वो यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे और शानदार तस्वीर जो है वो हमने दिखाई और आपने कल देखा होगा कि किस तरह से
नज़ारा देखने को मिला है और लोगों की भीड़ जो है उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यह आदिवासी महोत्सव रहा होगा। अभी भी जो लोग हैं वो दौड़ कर जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, और अभिवादन कहीं ना कहीं जो है हेमंत सोरेन स्वीकार भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने जो लोगों की ओर से जो गुलदस्ता था उसको स्वीकार किया, उनका अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद मुख्य मंच की ओर बढ़ गए। तो देखिए अच्छा महोत्सव था और भीड़ भी काफ़ी थी और कुछ देर में कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि सरकार की ओर से पूरी मेहनत की गई थी महोत्सव को कामयाब बनाने की और कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिख भी रहा है क्योंकि लोगों की भारी भीड़ जो है वो इस महोत्सव में देखने को मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या इस प्रकार के महोत्सव का आयोजन और होता है और अगले साल के 9 और 10 अगस्त को फिर इस तरह का जो आयोजन है होता है, अगर होता है तो उसमें क्या कुछ खास होता है, क्योंकि इस बार बहुत जो चीज़ें थी खास थी, बहुत तरह के जो कार्यक्रम थे वो खास थे जो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बना। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कारोबिसन तापस के साथ नीरज कुमार रांची।